क्लास ग्रामर के क्लास में हैव का कहां और क्यों लगता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके लास्ट मेरी वीडियो जो कि हैव के यूज के बारे में थी कि हैव कहां पे लगना है और क्यों लगना है, आपको वो समझ में आ जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आज मैं हैव के अगले यूजेस के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आई के साथ हम हैव कैसे लगाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं नेक्स्ट वी यू एंड दे के साथ हैव कैसे लगाना है उसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी द यूज ऑफ हैव विद वी। वी जैसे कि हम जानते हैं वी हम के लिए यूज होता है और वी का डिस्क्रिप्शन भी वी को जिस वीडियो में मैंने बताया था उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अब वी के बारे में भी समझ लीजिए कि वी कहाँ और कैसे यूज होना है। और हैव के लिए वी का ये यूज है कि अगर आपके पास कोई चीज है तो उसके लिए तो आप आई हैव लगाएंगे, लेकिन आपके पूरी फैमिली के पास, आपके कोई फ्रेंड्स के ग्रुप के पास, आपके ऑफिस के कॉलीग के पास, आपके क्लास के स्टूडेंट्स के पास, जो भी ग्रुप है, अगर उन सबके पास कोई एक कॉमन चीज है या फिर बहुत सारी कॉमन चीज है तो वहाँ पर वी हैव लगेगा। तो क्या लगेगा फ्रेंड्स या क्या लगेगा किड्स? वी हैव। एग्जाम्पल्स इनके इस प्रकार हैं, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। इसी तरह अगर हमारी फैमिली के पास कोई भी चीज है या फिर हम सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में उनके पास कोई एक कॉमन चीज है तो हम वी के साथ हैव का यूज करेंगे। वी हैव अ बाइक, यस, हमारे पास एक बाइक है। इसी तरह फ्रेंड्स, वी हैव पास एक पालतू कुत्ता है। दोबारा से इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। वी हैव अ कार, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। वी हैव अ हाउस, वी हैव अ बाइक, वी हैव अ पेट डॉग, एंड लास्ट सेंटेंसेस, वी हैव अ टेलीविजन। यस फ्रेंड्स, हमारे पास एक टेलीविजन यानी कि टीवी है। देन रिपीट इट अगेन, वी हैव अ कार, वी हैव अ हाउस, वी हैव अ बाइक, वी हैव अ पेट डॉग, वी हैव अ टेलीविजन। एंड इसी तरह और भी एग्जांपल्स के साथ हम हैव ही लगाएंगे। एंड ईटीसी मैं नीचे लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है एटसेट्रा, इसको हम एटसेट्रा प्रोनाउंस करते हैं और इसका मतलब होता है इसी तरह के और भी सेंटेंसेस। यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिसकी हेल्प से आप यू के एग्जांपल और यू कहां कहां लगता है उसके बारे में जान पाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हैव लगाना है यू के साथ तो अगर सामने किसी और इंसान के पास कोई चीज है तो आप उसके लिए यू का इस्तेमाल करोगे। और अगर सामने बहुत सारा कोई ग्रुप खड़ा है लोगों का, यानी कि दे, जब ज़्यादा ग्रुप होता है लोगों का तो उनके साथ हम दे का यूज़ करते हैं, तो उनके साथ भी आप हैव का इस्तेमाल करोगे। अगर उनके पास कोई चीज़ है, जैसे सामने कोई प्लेयर्स का ग्रुप है और उनके पास एक बास्केटबॉल है तो आप बोलोगे दे हैव अ बास्केटबॉल। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर सामने कोई खड़ा है लेकिन वो सिंगल इंसान है और उसके पास कोई कार है तो तुम बोलोगे यू हैव अ कार, आपके पास कार है। इसी तरह आप यू एंड दे के साथ भी हैव का इस्तेमाल करोगे।
अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगी कि दे के साथ हैव आपको कैसे इस्तेमाल करना है, जिसके एग्जांपल्स मैं नीचे दूंगी। दे कोई भी ऐसा ग्रुप होगा जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स कुछ खेल रहे हैं बास्केटबॉल से, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी है, उनके पास जोन सी भी चीज़ है, उसके लिए आप दे के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं कंटिन्यूसली आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँ। साथ ही में फ्रेंड्स बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे न्यू अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दे के साथ हैव के एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि इस प्रकार हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दे टी एच ई वाई, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम दे, और दे का मतलब होता है वे। यस फ्रेंड्स, वे। दे हैव अ का मतलब एक, उनके पास एक है, क्या है देख लें ये भी, अब पॉज देखेंगे हम। दे हैव अ गार्डन, उनके पास एक गार्डन है। तो यहाँ पे कोई पूरा ग्रुप है लोगों का जिनका एक पर्सनल गार्डन है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स देखिए, दे हैव अ कार, वाओ, उनके पास एक कैट है, सॉरी कार नहीं फ्रेंड्स, कैट है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को दोबारा रिपीट करते हैं। दे हैव अ गार्डन, आप भी मेरे साथ बोलिए, दे हैव अ गार्डन, दे हैव अ कैट, दे हैव अ गार्डन, दे हैव अ कैट, दे हैव अ बाइक, उनके पास एक बाइक भी है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन जो सेंटेंस में मैं लिख रही हूँ वो कुछ अलग है। दे हैव अ बिग कार, उनके पास एक बड़ी गाड़ी है। देन रिपीट इट अगेन, दे हैव अ बिग कार, दे हैव अ बिग कार, रिपीट विद मी, दे हैव अ बिग कार। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रेंड्स, दे हैव अ ये क्या वर्ड लिख रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हो, बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू, वाओ, दे हैव अ बंगला, उनके पास एक बंगला है, ग्रेट, आपको तो पढ़ना आता है फ्रेंड्स। दे हैव अ बंगलो, दे हैव अ बिग, उनके पास फिर कोई बड़ा है, बिग मतलब फ्रेंड्स बड़ा, दे हैव अ बिग ओ डबल एफ आई सी ई, क्या बना फ्रेंड्स, ऑफिस, दे हैव अ बिग ऑफिस, उनका उनके पास एक बड़ा सा दफ्तर है। अच्छे एग्जांपल्स हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि यू मतलब अगर आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है, खड़ी है, या जो भी आपका फ्रेंड है, आपकी मॉम है, आपके डैड हैं, कोई भी हैं, और उनके पास कोई चीज़ है, तो आप कैसे यू के साथ हैव का इस्तेमाल करके बताएंगे कि उनके पास कौन सी चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ हाउ, देखिए क्या लिख रहे हैं बोर्ड पे, नाउ हाउ, नाउ का मतलब होता है फ्रेंड्स अब, और हाउ का मतलब होता है कैसे, अब कैसे,
स्कैन का मतलब सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, वी यानी कि हम, अब हम कैसे कर सकते हैं, यूज यानी कि इस्तेमाल। अब आपके पास है, क्या है, यू हैव अ कार। वाओ, यू हैव अ कार, आपके पास एक गाड़ी है। यू हैव, अगेन आपके पास है, पर क्या है, कुड यू इमेजिन, अ बाइक। मैंने तो इमेजिन कर लिया, आपके पास एक बाइक है। यू हैव, आपके पास है, क्या है बताओ, अ मीन्स एक स्कूटर, आपके पास एक स्कूटर है। यू हैव टू, अब उसके पास दो चीजें हैं, लेकिन कौन सी है, दो हैंड्स। इस सेंटेंस में आपको बताना चाहूंगी कि अगर टू है तो हैंड नहीं, हैंड्स लगेगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ हैंड। यू हैव टू हैंड्स, आपके पास दो हाथ हैं। देन सेंटेंस अगेन रिपीट कीजिए, यू हैव अ कार, यू हैव अ बाइक, यू हैव अ स्कूटर, यू हैव टू हैंड्स, यू हैव वन लिटल, आपके पास है एक छोटा, क्या छोटा या फिर छोटी, सिस्टर, यानी कि आपकी एक छोटी बहन है। इफ यू लाइक माई वीडियो फ्रेंड्स, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड साथ में फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगी कि हैव का कहाँ यूज करना है, आई वी यू का कहाँ यूज करना है, इन सब का यूज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिया था, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी हो या फिर इसमें कोई डाउट हो तो आप अपनी प्रीवियस वीडियोस से मेरी उसको क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, आई विल बैक अगेन वेरी सून। एंड अगेन फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर watching. Bye bye friends.